Hi guys, hello everyone, and welcome to an Academy Neat Topper channel. This is your favorite G Square, and this is another episode on Assertion and Reason series. और आज हम करने वाले locomotion and movement. हर मंडे वेंचे फ्राइडे सुबह 8 बजे सीरीज आती है और 10 क्वेश्चन मैं होमवर्क के भी देती हूँ. और होमवर्क आपको कहाँ से मिल सकता है मैं आपको बता देती हूँ. ये मेरा लिंक ट्री है जी टू गर्मा गोल, यहाँ पे आपको डेली होमवर्क एक दिख रहा होगा. इस पे बस आपने इस तरीके से क्लिक करना है. जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डेली होमवर्क इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएगा. जैसे कि ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं हम अपने इस चैनल पे, तो आप पीडीएफ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क है. और ये होमवर्क जरूर करना है नालायकों, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, तो इसे इसको छोड़ना नहीं है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट. बिफोर वी स्टार्ट मैं बता दूं, माय पेड बैचेस है आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ. बहुत दमदार तरीके से पढ़ाई चल रही है. आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं. इसके लिए आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिस्काउंट के लिए, दैट इज जी स्क्वायर. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप मैम के साथ जुड़ जाएंगे. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का assertion reason. जोश कैसा है सुबह सुबह? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, नी जॉइंट यानी कि जो हमारा पैर का जॉइंट होता है, नी जॉइंट इज अ हिंज टाइप ऑफ जॉइंट. मैं आपको बता दूं, हिंज जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जहां पे मेरे बच्चों सिर्फ सिंगल प्लेन में मूवमेंट होती है. जैसे आपका एल्बो जॉइंट, ये सिर्फ हाथ ऊपर आता है, नीचे नहीं जाता है. ऐसे जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट कहते हैं, जहां पे सिंगल प्लेन में ही सिर्फ मूवमेंट अलाउड होती है. ठीक है, तो ये जो पहला कथन है ये बिल्कुल हमारा सत्य कथन है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, अब आते हैं इसी के साथ दूसरे वाला, फीमर पटेला फिबुला एसोसिएटेड विद नी जॉइंट. देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, क्योंकि टिबिया को ये भूल गए. अब भाई एक को आप भूल जाओगे, बाकी सबको याद कर लोगे तो वो नाराज हो जाएगा ना, तो ये नाराज हो गया. तो सिंस ये नाराज हो गया तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट. और एक ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या बन गया हमारा, सी ऑप्शन बिकम्स आवर आंसर. राइट मेरे बच्चों, चलिए अब दूसरे पे चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मेरे नलायको, ठीक है. देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमारे सेल मूव करते हैं, वैसे ही यूनिसेलुलर के मूव करते हैं मल्टी सेलुलर. ठीक है, ओके, ट्रू, बिल्कुल सही बात है. सिलरी फ्लैजुलर एमीबॉइड मूवमेंट्स आकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है. सिलरी मूवमेंट की अगर बात करें तो हमारा पैरामीशियम है. फ्लैजुलर मूवमेंट की बात करें तो यूग्लीना है. एमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो अमीबा है. बट ये दोनों एक दूसरे के रीजन तो बन नहीं रहा है, तो इससे मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. मसल फाइबर सिंसीशियम. जिन बच्चों को सिंसीशियम का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता दूं, सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, क्या मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड? तो जो हमारा स्केलेटल मसल फाइबर होता है, लेट मी टेल यू अगेन, जो हमारा स्केलेटल मसल फाइबर होता है वो हमारा सिंसीशियम होता है. सिंसीशियम होता है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन जाता है. ठीक है, मसल फाइबर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेललली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स इन द सारकोप्लाज्म. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बट क्यों ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसका रीजन मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा. क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. Now moving on to the question number 4, visceral muscles. Visceral muscle मैं बता दूं, this is the other name for smooth muscle. Smooth muscle का तीसरा नाम है non-striated muscle. क्या नाम है? नॉन स्ट्राइटेड मसल. ये जो हमारी मसल्स है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटरनल ऑर्गन्स. इसलिए हम इसे विसरल मसल के नाम से भी जानते हैं. आर स्मूथ इन अपियरेंस. ये स्मूथ है, ये स्ट्राइटेड नहीं है, तभी तो नॉन स्ट्राइटेड इनका नाम है. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू है ये वाला कथन मेरे बच्चों. दूसरे कथन पे चलते हैं जो कहता है, मेनी मसल सेल्स assemble in a branching pattern to form a visceral muscle. ये statement हमारा false है, क्योंकि जो branching है वो केवल और केवल हमारी धक 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 दिल की मसल में मिलती है, यानी कि heart muscle. Heart muscle यानी कि हमारी cardiac muscle में हमको से branching देखने को मिलती है. तो इसे second statement हमारा false है, इसलिए answer क्या हो जाएगा हमारा? C option becomes my answer. Right बच्चों, next पे चलते हैं. लोकोमोशन इन हाइड्रा. जो लोकोमोशन है हाइड्रा, हाइड्रा आपको पता है एक तरह का निडेरियन है, एक तरह का सिलेंट्रेटा है,
ये निडेरियन है, ठीक है। इट्स कैरिड आउट बाय टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। तो जब लोकोमोशन होता है हाइड्रा में तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाउ मसल फाइबर्स आर लैकिंग इन फाइबर। क्यों ये बेचारा कॉन्ट्रेक्टाइल सेल की हेल्प ले रहा है? क्योंकि उसके पास मसल नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों वो नहीं ले रहा है? वाई वाई? क्योंकि उसके पास मसल फाइबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बिकॉज या देयरफॉर लगाऊं तो मेरा परफेक्ट आंसर बनता हुआ, तो क्या होगा आंसर बच्चा बाटी? ए वुड बी माय राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल, जो पोर्शन है मायोफिब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, सक्सेसिव, ये देखिए, ये देखिए, ये दो हमारी जेड लाइन है, जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर कहते हैं। तो क्या लगता है स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ाया, ऐसे स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आई बैंड का लेंथ छोटा हो जाता है, एनसीईआरटी यही फरमाती है, ठीक है। जबकि ए बैंड का जो लेंथ है वो कॉन्स्टेंट रहता है, रिटेन द लेंथ का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट रहना, ये भी एनसीईआरटी फरमाती है। So thereby causing shortening of sarcomere, ये भी बिल्कुल सही है। बट क्यों दो Z line के बीच के एरिया को हम sarcomere कहते हैं? क्या इसका रीजन मिला? क्या इसका रीजन मिला? इसका रीजन नहीं मिला, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा उसका आंसर? बी ऑप्शन विल बी माई आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन है इन ह्यूमन बॉडीज नोन एज ऑक्सीजन डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा, ठीक है, जो हम लेते हैं कर्ज, चुका के जाऊंगी मैं तेरे प्यार का, ठीक है। तो ऑक्सीजन डेट, जो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे मान लो हमने बहुत काम कर लिया, हम ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिस इज कर्जा, हमने कर्जा ले रहे हैं एटमोसफियर से, ऑक्सीजन डेट है वो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ऑक्सीडाइज द एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। ये भी बिल्कुल सही चीज है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बॉडी यूज कर रही है लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इनटू यू नो CO2, जो भी चीजें प्रोडक्ट्स है उसे बनाने के लिए ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। क्यों बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ऑक्सीजन डेड? क्यों एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है बॉडी में? वाई? बिकॉज जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आएगा वो लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने में यूज होगा। तो क्या लग रहा है? ए इज राइट आंसर बनता हुआ, रीजन इसका मिलता हुआ, क्यों मुझे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ए होगा बच्चों, बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर एंटागोनिस्टिक मसल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है, इसलिए इन्हें एंटागोनिस्टिक कहते हैं। एक उठाती है हाथ तो एक नीचे कराती है हाथ, ठीक है, इसलिए इसे एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। ट्रू है ये, ठीक है। This is due to the fact they contract and relax together. False. ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? C option. इसका आंसर हो जाएगा C option, क्योंकि statement B जो है वो false है। Fatigue is inability of a muscle to relax. जब थक जाते हैं तो body relax नहीं हो पाती है, तब हमें सोना पड़ता है अपने आप को relax करने के लिए, है ना। तो fatigue क्या है? बॉडी की ऐसी इनएबिलिटी जहां पे वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो गया। इट इज ड्यू टू, देखो यहाँ पे रीजन भी बता रहे पहले ही तुम्हें, इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। पहले ही आंसर बता दिया ए, इसका आंसर ड्यू टू बता दिया उसने पहले। इजी क्वेश्चन, हलवा सवाल। रैपिड स्पैज्म, स्पैज्म का मतलब मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, दिस इज रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल इज टर्म्ड एज टेटनी, बिल्कुल सही है। टेटनी इज यूजुअली कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। यहाँ पे एनसीईआरटी फरमाती है कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तब टेटनी होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या बनता हुआ? सी ऑप्शन मेरा आंसर बनता हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ 10 क्वेश्चन कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, है ना। इतना आसान लगने लगता है जब साथ में हम ये सफर कर रहे होते हैं। उठो मेरे बच्चों, नींद के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। PYQ सेशन जो होते हैं चैनल पे, उन्हें भी जरूर अटेंड किया करो। क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। जगह जगह जाके लिख तो देते हो, ये नहीं कराते वो नहीं कराते, जब करा रहे तो आते नहीं हो,
है ना? तो लिंक ट्री पे अपना होमवर्क करना मत भूलना. आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन ऑन यू नो मंडे वेंसडे फ्राइडे फॉर दिस असर्शन रीजन सीरीज. तब तक होमवर्क कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए. मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ जाते जाते. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेज हो रहे हैं, यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, राइट मेरे बच्चों? तो चलो मैं आपको मिलती हूँ फटाफट से.